ये रास्ता बनाया है तुमने इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए, मगर मेरे रहते तुम इन्हें यहाँ से ले जा नहीं सकते बालवीर। मुझे धोखा दे सकते हो? भयंकर परी तो खुद धोखे और बुराई का प्रतीक है, उसे धोखा देकर कोई नहीं बच सकता। तुमने बहुत गलतियां की बालवीर, बहुत सारी गलतियां, लेकिन आज मैं उन सब गलतियों का गिन गिन कर बदला लूंगी। ऐसी सजा दूंगी तुम्हें कि तुम जीवन भर उन गलतियों को भूल नहीं पाओगे। और उस सजा की शुरुआत मैं मानव और मेहर से करूंगी, क्योंकि जितनी तकलीफ मैं इन्हें पहुंचाऊंगी उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी। वही अलमारी तो नहीं जिसमें से बालवी ने बच्चों के लिए परीलोक जाने का रास्ता बनवाया था? लेकिन ये तो ऐसा लगता है जैसे उस रास्ते को किसी ने नष्ट कर दिया हो। किसी ने क्या करने वाली होगी, जरूर भयंकर परी ही। डुबा डुबा एक बालवीर और बच्चे सही तो होंगे ना? अरे अगर ये रास्ता बंद हो गया तो बच्चे वापस कहां से आएंगे? ये सब क्या हो रहा है? मैं जहां भी जा रहा हूँ मुझे झटके लगना शुरू हो जा रहे हैं, और ये परिया, ये डूबा डूबा है, ये सब कौन है? परियो, चलो देखते हैं कि हुआ क्या है। चलो देखो मोंटू, देखा मैं देखा, तुम दूर से बात करो। पीछे 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 देखो मोंटू, मोंटू कोई देख रहा हूँ दूर से बात करो। और मुझे पहले बताओ ये मानो मेरे कहाँ है मानो मेरे कहाँ है मानो मेरे नहीं बताया ना तो मैं पूरे स्कूल को बुलाऊंगा। देखो मोंटू, हूँ मैं बताता तुम्हें सब कुछ, लेकिन करो वादा, कहोगे नहीं ये बात तुम किसी से? पागलू क्या मैं जो किसी से नहीं कहूंगा? अरे उल्टा अगर मैं दो परिया और एक विचित्र दिखने वाले प्राणी के बारे में सबको बताऊंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, बड़े बड़े चैनलों में मेरा इंटरव्यू होगा, सब जगह मेरा ही नाम होगा कि मोंटू लखानी ने इनकी खोज की है। देखो मोंटू, सुनो मेरी बात सुनो, हम दोनों परिया हैं और ये डूबा डूबा एक है, मैंने सब सुन लिया है, अब मैं बात सबको बताऊंगा और स्कूल का सबसे फेमस बच्चा होगा मोंटू।
तुम लोग यही रुकना। मोंटू एक बात सुनो, मेरी बात सुनो तो। करो वार, करो और फिर देखो कैसे पल भर में मैं तुम्हारे चहिते मानव और मेहर को जमीन की धूल चटाती हूं। बालवीर बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। हाँ बॉर्डर आ जा रहे बालवीर। आओ आगे बढ़ो बालवीर, दिखाओ अपनी होशियारी। इस समय मुझे सबसे पहले मानव और मेहर की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। मुझे एक और मौका दो भयंकर परी, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, पर मानव और मेहर को चोट मत पहुंचा। तो ठीक है, तुम पृथ्वी लोक से अपना सुरक्षा कवच हटा लो और मुझे वहां अपने साथ लेकर चलो और परी तारा का आधा हिस्सा मुझे दे दो। सोच क्या रहे हो बालवीर? भयंकर परी ऐसा मत करो। भयंकर परी रुक जाओ, भयंकर परी रुक जाओ। तो आखिर तुम मुझे परी तारा का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हो? अब क्या सोच रहे हो बालवीर? वो मैं लगता है तुम्हें मानव और मेहर से ज्यादा परी तारा से प्यार है। तो ठीक है, यही सही। भयंकर परी मैं तुम्हें परी तारा का आधा हिस्सा दे दूंगा। भयंकर परी मैं तुम्हें नीचे धरती पे परी तारा तक ले जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी कोई शर्त नहीं माननी है। चुपचाप जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, वरना बालवीर तुम ऐसा मत करना। तुम दोनों मुझे ठीक से जानते नहीं,
तुम्हारी सोच में जहाँ बुराई खत्म होती है, मेरी बुराई वहीं से शुरू होती है। अभी जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो तो कुछ भी नहीं, इससे कई ज्यादा गुना बुरा मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। वो तो तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम कितनी बुरी हो। और मेरी बहन से दूर रहना, वरना वरना पीट दूंगा। बस बालवीर, भले ही हमें कुछ हो जाए लेकिन इन्हें परितारा का आधा हिस्सा मत देना। चुप! बहुत हो गई तुम दोनों की बकवास। लगता है अब तुम्हें सजा देनी ही पड़ेगी। है समय अभी भी बाकी है। मानव मेहर और बल्लू के रूप में आने में हमें और बाहर जाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। अब क्या करें? मोंटू तो बस थोड़े दिनों में सबको लेके पहुंचता ही होगा। बिस्तर पर अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। आज तो हम खड़े ही जाएंगे। आइए सर, आइए। आइए सर, आइए। यस, चलिए अब देख लीजिए। हाँ सर, चलिए। प्लीज मोंटू, आर यू श्योर? तुमने स्कूल में दो परियों और एक विचित्र प्राणी को घूमते हुए देखा है? हाँ सर, मैंने उनको खुद अपनी आंखों से देखा है। वो मानव में और बल्लू के रूप में थे। अब चलिए अपनी खुद की आंखों से देख लीजिए सर। चलिए सर प्लीज। ओके चलो। आइए सर, आइए। अरे आवाज है ऐसे जैसे आ रहा है मोंटू बहुत सारे लोगों को जमा करके। अरे अगर इन सब ने हमें देख लिया तो ये तो घर वालों को जाकर बता देंगे कि हम लोग असली मानव मेहर और बल्लू नहीं है। लगता है आज तो हम पकड़े ही जाएंगे। देखिए देखिए सर, वो इसी रूम में बंद है और आप उन्हें देखेंगे ना तो आपके भी होश उड़ जाएंगे जैसे मेरे होश उड़े थे। Are you sure? माँ कसम सर, माँ कसम। एक मिनट सर। आइए सर, आइए। ये देखिए, क्या देखूं? कहां देखूं? किसको देखूं? हाँ, तुमने तो तीनों को यहां पे बंद करके रखा था ना। यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता तो है नहीं और बाहर से तुमने लॉक भी कर दिया था। मोंटू, डोंट टेल लाइस। ये तुम्हारा कोई नया मजाक तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, एक मिनट, मैं अभी ढूंढता हूं उन्हें। किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ डोंट वेस्ट आवर टाइम। कम ऑन बॉयज, गो टू योर क्लासरूम्स नाउ। गो, डोंट वेस्ट योर टाइम। कम ऑन, मूव फास्ट, मूव फास्ट। क्यों डरा रहे हो? एक मिनट सर। मिल गए सर, मिल गए। आइए आइए, जल्दी आइए, अपनी खुद की आंखों से देख लीजिए। हम कहाँ जाओगे बच्चों? आइए सर, आइए। मोंटू, ये क्या मजाक है? ये तो बल्लू है ना? और हम भी हैं सर। तुम लोग मानो मैं बल्लू कैसे बन गए? एक मिनट सर, एक मिनट। अब भी इनके मास्क की स्टीनिंग कर दो। एक मिनट सर। स्टॉप इट मोंटू, तुम पागल हो गए हो? ये दोनों परिया और ये कोई विचित्र प्राणी नहीं है, ये तो मानव मेहर और बल्लू है। हाँ मोंटू, अब तो दे दो हमें हमारा टिफिन और होमवर्क वाली किताब। कहा था तुमने जैसा किया हमने वैसा ही। कहा था तुमने कि उड़ा दो प्रिंसिपल सर के होश सबके सामने, तो उड़ा दिए हमने।
तुम्हारे। अरे क्या बगीचा रहे तू यार, मैंने ऐसे कब कहा था, कब कहा था मैंने? मोंटू तुमने ऐसा कहा था? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कहा था, आपकी कसम सर। सॉरी, रोहित कल की कसम सर, रोहित कल की कसम, मैंने ऐसा नहीं कहा था। कर दीजिए हमें माफ सर, किया हमने ये सब मोंटू के डर की वजह से। मजबूर किया था मोंटू ने हमें ये सब करने के लिए। सर चाहे तो दे सकते आप हम तीनों को सजा? हाँ दे दीजिए सजा। हाँ दे दीजिए सर। हाँ दे दीजिए सर। ठीक है। आई मीन तुम तीनों को सजा नहीं मिलेगी, ये सब गलती मोंटू की है, सजा तुम मोंटू को मिलेगी। कम ऑन सर, आई डोंट वांट टू हियर यू, कम ऑन, कम विद मी, चलो मेरे साथ। कम ऑन बॉयज, गो टू योर क्लासरूम्स प्लीज, डोंट वेस्ट योर टाइम, कम ऑन, कम विद मी, चलो मेरे साथ, चलो जल्दी। अरे ये हम कौन सी जगह आ गए? हम मायावी पर्वत में पहुंच गए। मायावी पर्वत? हाँ, यहाँ भयंकर परी हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। हाँ, अच्छा है, हमें तो ऐसा लगा था कि भयंकर परी से हम कभी बच नहीं पाएंगे। हाँ, और वो तेज रोशनी, वो कहाँ से आई थी? वो तेज रोशनी नटखट परी की वजह से आई थी। अच्छा वो नटखट परी अब सही समय पर वहां आ गई, वरना भयंकर परी तुम दोनों को चोट पहुंचा सकती थी। आज तो मैं सही समय पर पहुंच गई बालवी, लेकिन हमेशा मानव और मेहर की रक्षा करना आसान नहीं होगा। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि मानव और मेहर सुरक्षित पृथ्वी लोक पहुंच सके, क्योंकि अब भयंकर परी और भी ज्यादा सतर्क हो गई है। उसने तो पृथ्वी लोक जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया है। अगर भयंकर परी ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा रास्ता भी वो खुद बना कर देगी। क्या भयंकर परी खुद मानव और महे के पृथ्वी लोग जाने वाला रास्ता बना कर देगी? नहीं बालवी, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। वो करेगी, जैसा आपने कहा नटखट परी, भयंकर परी सतर्क हो गई है, हम उसी की सतर्कता का फायदा उठाएंगे। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि भयंकर परी खुद मानो और मेहर को वापस पृथ्वी लोक भेजने के लिए रास्ता बनाएगी और वो खुद ही हमें परी तारक तक पहुंचाएगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।